झज्जर जिले के नवाब ने जो एक दूसरे नवाब थे उनको रियासत में गांव ही दे दिया था इस्लामगढ़, जो धीरे धीरे इस्लामगढ़ से बदलकर आज के छुछकवास में हो गया है, क्योंकि वो गांव से छुछक में मिला था। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो नवाब थे, नवाब अब्दुल रहमान बहादुर साहब, उन्होंने 1857 की क्रांति में काफ़ी हिस्सा लिया था और उन्होंने जो एक हवेली बनाई थी जहाँ से वो अपनी अदालत लगाया करते थे, वो इतनी ऊंचाई पे थी और इतनी ही शानदार बनाई थी कि वहाँ से आसपास 16 किलोमीटर दूर से झज्जर से दूसरी रियासत छुछकवास रियासत की इस हवेली को देखा जा सकता था। इस हवेली की 16 किलोमीटर दूर जो सुरंग है वो झज्जर में निकला कर कहते हैं जिंदगी भी किताब सी होती है, खामोश रह के भी सब कुछ बयां कर देती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनु मेहता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिठा विरा। अपने इस इंडिया पाक के प्राचीन इतिहास के सफर में आज हम आपके लिए एक ऐसे नवाब के रियासत की कहानी लाए हैं जो यहाँ से पाकिस्तान माइग्रेट होके तो चले गए थे, लेकिन जो उनकी रियासत का नाम था उसका नाम था छुछकवास। आखिर उसकी रियासत के नाम छुछकवास कैसे पड़ा, आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे नवाब की रियासत जिसका नाम था छुछकवास। दरअसल पहले ज़माने में जब किसी की बेटी के यहाँ बेटा या बेटी यानी कि उसके नवासा या नवासी हुआ करते थे तो उसे छुछक देने जाया करते थे और छुछक में काफ़ी सामान दिया करते थे। लेकिन झज्जर ज़िले के नवाब ने जो एक दूसरे नवाब थे उनको रियासत में गांव ही दे दिया था इस्लामगढ़, जो धीरे धीरे इस्लामगढ़ से बदलकर आज के छुछकवास में हो गया है, क्योंकि वो गांव से छुछक में मिला था। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो नवाब थे, नवाब अब्दुल रहमान बहादुर साहब, उन्होंने 1857 की क्रांति में काफ़ी हिस्सा लिया था और उन्होंने जो एक हवेली बनाई थी जहाँ से वो अपनी अदालत लगाया करते थे, वो इतनी ऊंचाई पे थी और इतनी ही शानदार बनाई थी कि वहाँ से आसपास 16 किलोमीटर दूर से झज्जर से दूसरी रियासत छुछकवास रियासत की इस हवेली को देखा जा सकता था। इस हवेली की 16 किलोमीटर दूर जो सुरंग है वो झज्जर में निकला करती थी। वहाँ की मस्जिद और वहाँ जो ये नवाब के ख़ानदान के लोग थे इनकी ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन 1947 में जब माइग्रेशन हुआ तो ये नवाब साहब जिनके चार बेटे थे अपने तीन बेटों के साथ हिजरत करके कहें या माइग्रेट होके यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनका जो चौथा बेटा था उसकी शादी सहारनपुर में हुई थी और वो यहाँ पर रह गया था। वो आज भी अपने परिवार के साथ, नवाब परिवार, इस हवेली को देखने के लिए आते हैं। पाकिस्तान से बाकायदा नवाब परिवार इस हवेली कहें या इस अदालत को और अपनी ज़मीनों का जो लगान लेते थे वो सभी देखने के लिए ये अब परिवार अब भी आया जाया करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी इतनी शानदार इस अदालत की जो एक इसके पीछे हिस्ट्री है वो यहाँ आज किताबों में भी है। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं आपको छुछकवास गांव में। लेकिन चलने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक ही गुजारिश, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन वीडियोज को शेयर भी करते रहें ताकि जो इंडिया पाक हिस्ट्री के हमने जो कदम बढ़ाए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचते रहें। हम बैठे हैं जी इस टाइम छुछकवास गांव में और इस गांव का नाम जो छुछकवास पड़ा उसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी है और ये झज्जर रियासत के अंडर आता था। इस समय हमारे साथ सरपंच साहब से लेके गांव के मौजूद लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब,
पहले तो ये बताइए जी, छुच्छक वास जो गांव का नाम पड़ा था, इसके पीछे क्या हिस्ट्री क्या थी? ऐसा था जी, छुच्छक वास गांव जज्जर रियासत के अंदर आता था, जज्जर का नवाब के अंदर में था। निजावत अली पहले नवाब थे, निजावत अली खान थे, और बाद में अब्दुल रहमान आए, बाद में अब्दुल रहमान खान आए। अच्छा, तो निजामत अली ने अब्दुल रहमान खान को उनकी लड़की उनका ब्याही थी। अच्छा, और उसका जब बच्चा हुआ तो उस छुच्छक में ये जो गांव की जो जमीन थी ये जो से ना उनको दी। अच्छा, जब बच्चा होता है किसी घर में तो छुच्छक देने के लिए जाते हैं, उस टाइम यहाँ पे कोई बसावट ना, ना कोई बसावट नहीं। अच्छा, कोई बसावट जंगल था। अच्छा, कोई खेती बाड़ी नहीं थी। अच्छा, जंगल ये उस टाइम दे दिया था छुच्छक में जी, ये आपका हो गया और तब से इसका नाम निजामत अली ने दिया था। निजामत अली ने जब छुच्छक में दिया था इसलिए इसका गांव नाम छुच्छकवास पड़, छुच्छकवास पड़ गया, अब्दुल रहमान खान। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो एक शानदार हवेली बनी हुई है, यहाँ के नवाब तो अब्दुल रहमान साहब थे, अब्दुल रहमान खान। हाँ, तो उन्होंने ये किस सन में बनवाई थी और क्या इसकी? 1855 में। 1855 में जी, 1855। मतलब बहुत ही मजबूत हवेली है, देखो जी, बहुत मजबूत। उन्होंने एक तो हमारे गांव में जो मस्जिद है, अच्छा, बहुत बड़ी बहुत ऊंची मस्जिद है। अच्छा, ऐसी मस्जिद कहीं नहीं। अच्छा, पक्का तालाब मेरे ख्याल में तो 5-7 स्टेटों में नहीं होगा ये जो तालाब बना हुआ। ये जो तालाब है पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, राजस्थान, ऐसा तालाब और ऐसा बंगला, बंगला तो खैर झज्जर में भी था, झज्जर वाला भी इससे भी बड़ा है, ये पक्का था, यही था। तालाब ऐसा कहीं नहीं और मस्जिद ऐसी कहीं नहीं। ये तालाब पे तो हिस्ट्री आ रही है कि 1805 में बना था। नहीं जी, 55 1855 में बना था। अच्छा, 1855 में अब्दुल रहमान साहब ने बनवाया था। कितने घाट थे इसके? 4 घाट। कौन कौन से? इधर तो कोठी घाट, कोठी घाट यानी कि कोठी से रास्ता जाता था, सामने पशु घाट, जहाँ से पशु गौ घाट बोल देते, गौ घाट या पशु, गौ घाट, गाय। उस टाइम भैंस वगैरह नहीं थी इतनी, ज्यादातर गाय होया करती किसानों के पास, उधर जंगल था। अच्छा, गौ चरागाह उधर थी, ठीक है, जहाँ गौ घाट है ना, यो साइड सारा जंगल चरागाह था। अच्छा, गौ गौ का चरागाह बनी खड़ी पूरी थी। बनी थी जी, वो पूरी बनी 5-7 किलोमीटर का एरिया में। अच्छा, पूरी बनी, इसमें 4-5 गांव बस गए इस बनी के अंदर। ये चारों तरफ के गांव के आदमी अपने गाय चराते थे धर्मार्थ के लिए। अच्छा, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान खान ने चरागाह छोड़ रखी। अच्छा अच्छा, धर्मार्थ। और बाकी दो घाट इधर कसाई घाट था। अच्छा अच्छा, उधर रानी घाट, बाबनदेव के पास रानी घाट है। अच्छा, वहाँ से रानी, हाँ, मर्दाना घाट। अच्छा, दो घाट हैं जी ऊपरली साइड में, ऊपरली साइड दो घाट है, एक तो रानी घाट लेडीज, ठीक है, और एक जेंट्स। अच्छा अच्छा, मर्दाना घाट बोलते हैं। हाँ, मर्दाना घाट। तो ये पक्का तालाब आसपास के इलाके में मशहूर था, और यहाँ से झज्जर भी दिखाई देता था। यहाँ से झज्जर भी दिखाई देता था, हमने तक देखी तो नहीं है कभी सुरंग यहाँ से झज्जर तक थी। जो ये सुरंग है, ये सुरंग सीधी झज्जर निकलती थी। झज्जर, जो मैन देखने वाली बात थी ना सर, वो ये थी, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, उस टाइम इतनी हाइट पे बढ़ाया था कि यहाँ इसकी छत पर से पूरा राउंड लगा के झज्जर तक 16 किलोमीटर का एरिया दिखा था। झज्जर तक मतलब ये बंगला जो है झज्जर से दिखता था, 16 किलोमीटर एरिया के अंदर दिखाई देता था इस बंगले की छत। बहुत ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे, और दीवारें भी देखो पतली ईंटों की मजबूत, तो उस टाइम पतली ईंट होती थी। अच्छा, उस टाइम ये जो बड़ी ईंटें थी ये कहीं नहीं थी, ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं थी ईंटें, देश आजाद होने के बाद में इनकी स्थापना हुई। अच्छा, ये जो पतली ईंट है इनके उस टाइम आप देख रहे हो पिलर में जितने भी ये ईंट दिखाई दे रही हैं, सब ये चूने की और मजबूत उससे है। जब सीमेंट का तो नाम ही नहीं था कहीं भी उस टाइम, सीमेंट का नाम नहीं था, ब्रिटिश साम्राज्य में सीमेंट थी नहीं बिल्कुल। और देखो कारीगर कितने अच्छे थे कि उन्होंने गोलाई कितने अच्छे तरीके से दे रखी, ईंट की गोलाई। कारीगर तो जो ये उस टाइम के बहुत पुराने कारीगर हैं, ये सब उस समय के कारीगर थे, और आज भी मजबूत लाल पत्थर का यूज है इसमें सारा, सारा जो सीढ़ी ऊपर जा रही है, जो भी पत्थर लगा हुआ है ना, देख अब आपने देखा होगा ना सर, इसमें जो भी पत्थर हुआ है वो आज भी वही चमक है जो 1855 में थी।
लाल पत्थर और सफेद हाँ सफेद पत्थर में लाल पत्थर में हाँ। जो समय के उस टाइम थी वही आज बरकरार है। पहले भी उस टाइम भी सब बिल्डिंग क्वालिटी आया करती ना। अच्छा फिर ये 1855 में जब बनी थी, फिर उसके बाद नवाब साहब 1857 की क्रांति में लड़ने भी गए थे? हाँ बिल्कुल। या कोई इतिहास ऐसा हो या बाद में मारे तो यहाँ इतिहास नहीं, 1857 की क्रांति में भी लड़े हैं। उसके अच्छा। बाद में कोई वही थोड़ी था अब्दुल रहमान, उसके बाद में तो और भी हो गए, और भी हो गए, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हाँ, अच्छा भाईचारा अच्छा था उस टाइम पे? हाँ भाईचारा अच्छा, मुसलमान हिंदू भाईचारा था, भाईचारा अच्छा था जी। ऐसे कहते हैं गांव की पूरी मदद करते थे, इलाके की भी पूरी, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी वो करते थे, मतलब कोई ऐसा भेदभाव उस टाइम पे ना, न्याय करते थे, न्याय करते थे, न्याय करते थे, जो गलत करता था उसको कठोर सजा देते थे। ये उस टाइम के नवाबों की खासियत थी, जो अपराध करता था उसको बख्शा नहीं जाता था, कठोर सजा नहीं, न्याय हो गया। सही बात है, सही। अपराधी में चाहे हिंदू या मुसलमान जो भी अपराध करता था उसको सेम सजा होती थी। सही, मतलब भाई कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, आपस में आना जाना बड़े बूढ़े बताया करते थे। हाँ बूढ़े बड़े बताते थे, मेरी बात सुनो, मन ने पूरी जानकारी है। हाँ। मैं बुजुर्गों में ही बैठा हूँ। हाँ। जब भगदड़ मची है पता तो शोर तो पहले से हो जाता, कोई एक दिन तो होता नहीं। सही है। तो लास्ट में उनने तो गाँव गरीबी में थे, इनके अंदर में था। अच्छा। उनके माँ देखते हम, हमारे पास अपनी कोई मलकियत नहीं। अच्छा। सारी जमीन नवाब की, सारी जमीन इनकी थी। हाँ। हम इनको लगाने। अच्छा। जब भगदड़ मची, जब भगदड़ मची तो इधर उधर लोग भागने लग गए, भागने लग गए तो गांव खाली हो गया थोड़े आदमी। तो जब नवाब ने गांव के मौजूद आदमी कहते अरे भाई कहीं मत नहीं जाओ। हाँ। भाई यहाँ गांव में नहीं रहो, अपने खेतों में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ना आपने हमारे से कुछ करना, ना हमना, हम तो भाई भाई हैं। ठीक है भाई, भारी तत्व अगर आकर के आपको परेशान करता है तो आप हमारी करो। हाँ। और तुमको करेगा तो हम तुम्हारी। सही। और कहीं मत नहीं जाओ दूसरे गांवों में, और अपने खेतों में अपनी गाड़ियां लेकर के और वहां अपने बच्चों को वहां रोक लो, किसी जगह मत नहीं जाओ। पहली बात तो कोई दिक्कत होनी नहीं, अगर होती है तो हम और आप मिलकर मुकाबला करेंगे। तो लोग नहीं मानने आए, इधर उधर कुछ चले गए, दूसरे गांवों में चले गए। अब दिक्कत उन पर भी कुछ नहीं आई, सरकार तो उस टाइम भी थी, ब्रिटिश साम्राज्य था। हाँ। तो भाई इधर उधर के मतलब जो छोटे छोटे गांव थे जहाँ जहाँ भी मुसलमान थे तो उनको इकट्ठा कर करके जैसे जैसे साथ तो मेन सेंटर ये बनाया है। अच्छा, छुच्छक वासला है यहाँ, मेन सेंटर बना। अच्छा अच्छा, जैसे कनवा है। हाँ। और एक दो गाँव इधर के जो छोटे छोटे गाँवों में इधर सड़क वगैरह तो थी नहीं, तो जहाँ जा भी थे तो सरकारी तंत्र तो उस टाइम भी था, सिर्फ इतना ही था भाई ब्रिटिश साम्राज्य थे, रियासत थी, पुलिस भी थी उस टाइम। सही है। तो उन लोगों को इकट्ठा कर करके तो ये सेंटर बनाया, यहाँ जगह भी थी, साधन भी थे और भाई नवाब भी था। फिर यहाँ से, यहाँ से इन लोगों को आगे पाकिस्तान, दिल्ली भेज दिया। आसपास के कौन कौन से गांव से गए थे? उबन, छाकन, हबीब। अच्छा। नवाब जो उसके बाद में जो नवाब हुआ जो जब जब यहाँ से गए हैं। हाँ। उस टाइम हबीब, उबन, छाकन। अच्छा। चार लड़के थे। अच्छा। और उसका भी खान का नाम था तो सही अब्दुल रहमान खान की थी, इसलिए उस पर मेरे भी इमरान खान। अच्छा। इमरान खान अब भी जमाबंदी में है। अच्छा। फिर कभी आए कोई बाद में? बाद में देश आजाद होने के बाद में कई साल के बाद में आए, उसका चार लड़के थे नवाब के। हाँ। वो मैं क्या बताऊँ सर, रहमान खान। हाँ। उसके चार लड़के, हबीबुर रहमान के। हाँ। हाँ। तो उसके चार लड़के थे, तो एक लड़का सहारनपुर आया था। अच्छा। सहारनपुर आया था। हाँ। तो उसके साले नहीं थे। अच्छा। तो उसके ससुर ने उसको वहीं रख लिया। ठीक है। वो मतलब वो पाकिस्तान नहीं गया, वो पाकिस्तान नहीं जाने पाया। जब देश में हुड़दंग हुआ
और इनको पाकिस्तान भेजा गया तो वो सहारनपुर रह गया। ठीक है, और लेकिन ये है कि अब भी वो एक आध साल चक्कर मार जाते हैं। अब वो तो गया, तो कई पीढ़ी चाल पीढ़ी और है। हाँ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब अब भी आ जाते हैं देखने अपने, अब भी आ जाते हैं। सहारनपुर वाले आते होंगे, सहारनपुर वाले आते, पाकिस्तान वाले कोई नहीं। ऐसे जाने के बाद जी हमने मतलब जो किसान है उनसे जमीन भी मोल ली है, सहारनपुर जाके पैसा दे के आया करता और रजिस्ट्री कराया करता तो वो यहाँ। अच्छा, हाँ, जो जमीन बच गई उसकी। हाँ, तो यहाँ 55 में जमीन खरीदी से, मैं बताऊंगा 50 में खरीदी, 50 में खरीदने लग गए, 50 में, सन 1950 में, कुछ एक दो, यानी 100 साल के बाद तक। 1850 से उनकी रियासत चली आ रही थी पीछे से, और 1950 में जमीन खरीदने लग गए फिर उनसे। हाँ, हाँ। ये देखो जी कितनी ही रिच हिस्ट्री है छुछक वास की, इस अदालत की जहाँ पर अदालत लगा करती थी, नवाबों की इस हवेली की, और खासकर मजबूती की मिसाल इन दरों दीवारों और इन दरवाजों की, कि ये कहानी तो अपनी बयां कर रहे हैं, लेकिन आज भी भले ही ये अपनी मजबूती के साथ खड़े हों, कुछ ना बोल पा रहे हों, लेकिन इस गांव के लोग आज भी इन्हीं की कहानी को अपनी जुबानी इस तरीके से बता रहे हैं। तो चलते चलते मेरी हमेशा की तरह आपसे एक ही गुजारिश, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पाकिस्तान से जुड़ी हर कहानी को हम आप तक ऐसे ही लाते रहें। तो चलते चलते एक बार फिर से नमस्कार।